चुपचाप थोड़ा सा रुकना है, 2 मिनट 5 मिनट। बगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं बेसिकली उसके ऊपर, और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद उसको वैलिडेट कैसे करते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो हमारे पास ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल सिग्नेचर करते कैसे, डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट कैसे करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड करने का कैसे प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन चेंज आते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेस आपको दिखते हैं जिससे डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर वैसे वैलिडेट नहीं होता, जिसको ग्रीन टिक भी बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर करने का पहले प्रोसेस देखता हूँ, फिर बाद में उसको वैलिडेट कैसे करते हैं उसका देखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक PDF साइनर बोल के एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने लिया है, ओपन कर रहा हूँ मैं उसके। वहाँ पे एक PDF फाइल चूज कर रहा हूँ, जो भी PDF फाइल्स है, कोई भी जो भी PDF आप साइन करना चाहते हैं वो PDF फाइल आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक PDF फाइल चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका पॉइंट दिखा देता है जो कहाँ पे सेव होगा। डिजिटल सिग्नेचर चूज करेंगे, वहां पे जो भी सर्टिफिकेट है आपके, जो DSC आपने लगा के रखा है, वो सर्टिफिकेट आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे 2 नाम दिख रहे हैं, दैट मींस एक साइन और एक इंक्रिप्शन है, साइनिंग ही चूज करने का है। वहाँ पे स्मार्ट कार्ड पिन को टिक कर देंगे और DSC का यहाँ पे पिन एंटर करेंगे और इसको ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है सिग्नेचर अपीयरेंस। तो सिग्नेचर आपको किस तरीके से दिखेगा, तो सबसे पहले मैं ऑल पेज में ले लेता हूँ, मुझे सभी पेज पे सिग्नेचर चाहिए। और यहाँ पे पोजिशन, आपको कहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर रखना है उसका पोजिशन आप वहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे एक आपके पास है एक्सेस का, जहाँ पे अलग अलग तरीके से आप, यदि आपको लग रहा है कि आपके पोजीशन जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कर रहा है उसे नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन टिक ऑप्शन, जो आप ग्रीन टिक बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे वैलिडेट करने का, यहाँ पे ग्रीन टिक की वजह से आप वैलिडेट समझते हैं, यही आप ग्रीन टिक यहाँ पे टिक करेंगे तो ही वो डिजिटल सिग्नेचर में ग्रीन टिक होगा। तो मैं इसको टिक कर दिया हूँ और इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के थोड़े दिन के बाद मुझे एक पॉपअप आएगा कि आपका डिजिटली साइन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे पॉपअप आ गया, मैं इसको क्लोज करता हूँ और जहाँ पे मेरा डिजिटल साइन हुआ है वो फाइल को मैं खोलता हूँ। सेम नाम से और सिर्फ आगे साइन बोल के लिखा हुआ आ जाएगा मेरे PDF के फाइल्स पे। यहाँ पे अभी डिजिटल सिग्नेचर देखिए मुझे यहाँ पे नीचे दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेट किया हुआ है, पर कभी कभी हो सकता है कि आपको ये सिग्नेचर वैलिडेट किया हुआ ना दिखे, तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ट्रस्टेड नहीं रहता, तो सिग्नेचर में जाएंगे, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे ऊपर का आपको आपके ऊपर को इस पे क्लिक करना है। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाना है, ऊपर में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ट्रस्टेड बोल, ट्रस्टेड पे आपको क्लिक करना है। ट्रस्टेड में आप देखिए तो ही टिक क्या हुआ, ये सभी टिक्स होने चाहिए, इसको ओके कर दीजिए। ऐड ट्रस्टेड साइट्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पे जितने भी आपको ये टिक दिख रहे हैं सबको टिक मार्क में आपको कन्वर्ट कर देना है, सब टिक मार्क कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए और फिर से इसको ऐड टू ट्रस्टेड कर दीजिए। ओके, ये सभी ऑप्शंस आपके लिए डिजेबल होने चाहिए और ऐड टू ट्रस्टेड आपको जो अभी दिख रहे हैं एनेबल दिख रहे हैं वो डिजेबल हो जाना चाहिए, तो ही आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। अभी ऐड टू ट्रस्टेड करेंगे, अभी ये सभी जो आपको दिख रहे क्रॉस वो सभी टिक हो जाएंगे, जैसे सभी टिक हो जाएंगे आपका ये सिग्नेचर आपको वैलिडेट हो जाएगा। और ये याद रखिए ये एडोब रीडर DC से ही होता है, दूसरे जो भी है सिग्नेचर का एडोब के सॉफ्टवेयर में होते हैं, बाकी के दूसरे के जितने भी सॉफ्टवेयर है PDF का उसमें ये प्रॉब्लम कभी भी आपको ये जो डिजिटल सिग्नेचर वैलिड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी करेंगे। और सबसे अच्छा एडोब रीडर DC है, मैं भी अभी एडोब रीडर DC यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरा इजीली सिग्नेचर वैलिड हो गया। देखिए यहाँ पे वैलिड हो गया और ट्रस्टेड में भी सभी जगह पे टिक्स हो गए।